पंजाब में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू एक बार फिर अपने तीखे बयानों और बगावती तेवर से पार्टी नेताओं के निशाने पर आ गए हैं। नवजोत सिंह सिद्धू ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर एक पोस्ट शेयर की है। इस पोस्ट के कंटेंट से उनके इरादे को समझा जा सकता है कि नवजोत सिंह सिद्धू तमाम हिदायतों के बावजूद चुप रहने वाले नहीं हैं। वैसे तो ये पोस्ट किसी और ने लिखी है, लेकिन नवजोत सिंह सिद्धू ने उसे अपने सोशल मीडिया हैंडल पर शेयर किया है। इस पोस्ट के जरिए उन्होंने पार्टी के वरिष्ठ सदस्य प्रताप सिंह बाजवा को जवाब दिया है। नमस्कार, मैं हूं देवेश यादव और आप देख रहे हैं TV9। दरअसल कुछ दिन पहले प्रताप सिंह बाजवा ने कहा था कि नवजोत सिंह सिद्धू अपना अलग अखाड़ा लगाना बंद करें और पार्टी के प्लेटफॉर्म पर आकर बोलें। बाजवा ने कहा था कि नवजोत सिंह सिद्धू जब पार्टी अध्यक्ष थे तो 2022 के विधानसभा चुनाव में पार्टी 78 सीटों से सिमट कर 18 पर आ गई थी। नवजोत सिंह सिद्धू तब भी चुप नहीं रहे और पार्टी के खिलाफ बयानबाजी करते रहे। इसके बाद नवजोत सिंह सिद्धू ने जिस पोस्ट को शेयर किया है उसमें पूछा गया है कि कैप्टन सरकार के समय बेड़ियों का इंसाफ नहीं मिला क्योंकि कैप्टन अमरिंदर सिंह ने गुटका साहिब की कसम खाई थी, क्या यह कारण नहीं है पंजाब में कांग्रेस की हार का। पोस्ट में बाजवा से यह भी पूछा गया है कि जब कैप्टन की सरकार में सवाल उठाते थे तब अब चुप क्यों थे। जालंधर उपचुनाव में आप इंचार्ज थे तो पार्टी कैसे चुनाव हार गई, इसका जवाब कौन देगा। पोस्ट के जरिए एक चीज पूछी गई है जिसमें बठिंडा के महराज में राजू सिंह सिद्धू ने अपने प्रयासों से 8000 से ज्यादा लोगों को इकट्ठा किया तो आपको तकलीफ क्यों हो रही है, क्या आपने महराज रैली में लोगों को जाने से नहीं रोका, क्या आपने रैली को फेल करने में जोर नहीं लगाया, क्या आपको अपना सियासी भविष्य खतरे में नजर आ रहा है। ऐसे कई सवाल पोस्ट के जरिए सिद्धू ने उठाए हैं। आपको बताते चलें कि 26 दिसंबर को कांग्रेस हाईकमान ने पंजाब में पार्टी नेताओं के साथ मीटिंग की थी। बैठक में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, केसी वेणुगोपाल और राहुल गांधी भी मौजूद थे। इस दौरान पार्टी में अनुशासन को लेकर भी चर्चा की गई थी। उन्होंने सख्त लहजे से कहा था कि जो भी पार्टी में अनुशासन तोड़ेगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। लेकिन मीटिंग के दो दिनों के बाद ही नवजोत सिंह सिद्धू ने फिर से बागी तेवर दिखा दिए थे। इस सब के बाद सवाल ये भी है कि सिद्धू के ताजा तेवर को देखते हुए कांग्रेस हाईकमान की ओर से कोई एक्शन लिया जाता है, क्योंकि पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वडिंग भी बोल चुके हैं कि जो अनुशासन में नहीं रहेगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। इस सबके बीच नवजोत सिंह सिद्धू के करीबी शेरी रियाड को पार्टी ने नोटिस भेजकर क्लियर कर दिया है कि अगर अनुशासन तोड़ा जाएगा तो कार्रवाई हो सकती है। बहरहाल सिद्धू के लगातार पार्टी लाइन से हटकर सवाल पूछने का सिलसिला जारी है। ऐसे में अब देखना होगा कि आने वाले समय में क्या कांग्रेस हाईकमान की ओर से कोई एक्शन देखा जा सकता है। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।